नमस्कार दोस्तों, ये है 43 इंच टीवी MI। अगर आपका भी टीवी में MI में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, स्पार्किंग कर रहा है और MI की 43 इंच की डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको बहुत सहूलियत मिलेगी रिपेयर करने में। तो चैनल पर नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूँ, ये टीवी है 43 इंच MI का और अब हम इसको ऑन करेंगे यहाँ से लाइट देके और इंडिकेटर पे फोकस करेंगे। यहाँ पे लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, तो यहाँ पे अभी लाइट दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं ऑन कर रहा हूँ। और दोस्तों MI की टीवी का प्रॉब्लम इसमें होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक वोल्टेज ट्रैक करके बताने वाला हूँ इसमें। तो चलिए, यहाँ पे पावर प्लग का प्रॉब्लम था, मैंने पावर प्लग अपना ठीक कर लिया है और यहाँ पे आ गई रेड लाइट, जल चुकी है। अब अभी टीवी में मैंने उंगली से ऑन कर लिया और देखते हो डिस्प्ले अभी ब्लैंक आ रही है। जो प्रॉब्लम मैंने शुरुआत में आपको दिखाया वही प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है, ब्लैंक डिस्प्ले दिख रहा है पूरा में और डिस्प्ले कुछ नहीं बन रही है। और इसी में आपको इसी फॉल्ट में स्पार्किंग भी बन सकती है, ऊपर नीचे जंपिंग प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं इसका बैक कवर ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने बैक कवर को ओपन कर दिया, देख सकते हो 4K का टीवी है और MI का जो मॉडल है L43M44AIN, ये एक मॉडल है और 4K का कार्ड लगा हुआ है और LG का डिस्प्ले इसके अंदर लगा हुआ है। अब देख, LG का डिस्प्ले लगा हुआ है यहाँ पे और 4K डिस्प्ले लगा हुआ है। अब हम इसमें प्रॉब्लम कैसे चेक करेंगे, अगर CUG प्रॉब्लम होता है तो आप एक साइड से FFC को यहाँ से ओपन कर लेना है। ईजिली फॉल्ट बता दूं मैं यहां से, अभी पूरा बताऊंगा तो यहीं से आप स्किप मत करने लगना। यहां से आपको ईजिली बताता हूं, यहां से FFC को ओपन करना है, टीवी को ऑन करना है फिर से जैसे हमने पहले ऑन किया था और देखेंगे पिक्चर किस साइड नहीं बन रही है। ठीक है, तो हम यहां से ऑन कर लेते हैं और जैसे ही ऑन होगा तो हम देखेंगे पिक्चर किस साइड बन रही है और किस साइड नहीं बन रही है। तो टीवी यहाँ पर हो चुका है ऑन और FFC को यहाँ पे जैसे हम टीवी को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो एक साइड में वाइट डिस्प्ले बन रही है और एक साइड में ब्लैंक बन रहा है। ठीक है, तो इस साइड हमारे लग रहा है PCB शॉर्ट है जिधर से मैंने खोला है, क्योंकि इसमें क्या नाम है वोल्टेज ही ड्रॉप कर रहे हैं। तो कौन सा वोल्टेज ड्रॉप करता है वो भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो आप मल्टीमीटर अपना ले लीजिए अगर मल्टीमीटर आपके पास है तो, और FFC जहाँ से मैंने ओपन किया था वहाँ से आप इसे लगा इनबिल्ट कर दीजिए, लगा दीजिए इसमें। और जब आप इसको लगा दोगे ना दोस्तों, तो इसको करना क्या है आगे का मैं फॉल्ट बताता हूँ। इसको लगा देते हो तो आप इस ऑल टू ऑल वोल्टेज को पहले टिकॉन वोल्ट में चेक कर लेना। मैं अब बताता हूँ, अगर आप टेक्नीशियन हो तो FFC निकालने से पहले टिकॉन वोल्ट का वोल्टेज जरूर चेक करना। तो आगे का मैं वोल्टेज चेक करने वाला हूँ इसमें। तो यहाँ से TV को कर लेता हूँ ऑन हम फिर से, और फिर से ऑन करने के बाद एक एक वोल्टेज को हम ट्रैक करेंगे, VGH VGL AVDD जितने भी वोल्टेज है सबको ट्रैक करेंगे। चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं ऑन और यहाँ बन गई, चेक करते हैं 12 वोल्ट। तो मल्टीमीटर पर देखते हो 12 वोल्ट सही सलामत बन रही है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम VGH पे, देखते हैं वोल्टेज बन रही है या नहीं। ये VGH पॉइंट यहाँ पे आती है, तो VGH पॉइंट पे देखते हैं वोल्टेज बन रही या नहीं बन रही है। तो VGH अभी दिख नहीं रही है यहाँ पे, VGH 0। और VGL चेक कर लेते हैं जस्ट, यहाँ पे VGL -5 वोल्ट बिल्कुल ओके बन रहा है। तो मैं थोड़ा फ्लैश जला दूं यहाँ पे मोबाइल का, क्योंकि ये VGL का पॉइंट सही से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखते हो ये है VGL का पॉइंट और इस रेजिस्टेंस पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो -5 वोल्ट बिल्कुल ओके बन रही है। इसके बाद मैं AVDD भी वोल्टेज चेक कर लूँगा यहाँ पे, तो देखते हैं AVDD बन रहा है या सही नहीं बन रहा है। तो AVDD भी 15 वोल्ट सही बन रहा है दोस्तों। तो ये सारे वोल्टेज बन रहे हैं, ओनली फॉर ड्रॉप हो रहा है दोस्तों VGH का वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। और ड्रॉप जब करेगा तो आपको क्या करना है, या दोनों FFC को ओपन कर लेना है। जो LVDS है, LVDS से जो दोनों FFC जाता है ना उसको ना ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल नहीं बन रही है, यहाँ देखो बिल्कुल नहीं बन रही है वोल्टेज, इस साइड बननी चाहिए, यहाँ पे VGH नहीं बन रही है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, FFC को ओपन करने वाला हूँ। ये जो FFC लगी है इसको मैं फिर से ओपन करने वाला हूँ। तो यहाँ से ओपन कर लिया मैंने इसको और LVDS को मैं एक बार निकाल के डायरेक्ट लगाऊंगा, क्योंकि पावर प्लग में थोड़ा टाइम लेता है। अभी ओपन करने के बाद भी आप देखते हो वोल्टेज नहीं, यहाँ पर नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है वोल्टेज। तो मैं यहाँ LVDS को ओपन कर दिया और फिर से देख सकते हो यहाँ से इसको मैं लगा दूंगा, यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ, देख सकते हो 28 वोल्ट बन गई VGH, इस साइड VGH बन चुका है। अब ये VGH नहीं बन रही थी, अब ये VGH बिल्कुल ओके बन चुकी है 28 वोल्ट। यहाँ देख लो 28 वोल्ट बिल्कुल ओके बन चुकी है। तो इसके मतलब है कि इस साइड की जो मैंने जो FFC निकाला उस साइड ट्रैक शॉर्ट है, जिसके वजह से VGH वोल्टेज भी ड्रॉप कर रही है। तो अब ट्रैक को कैसे हम शॉर्टिंग हटाएंगे ये भी अभी हम जानेंगे। तो इस साइड का भी FFC एक बार आप निकाल के
चेक कर लेना कि शॉर्टिंग है या नहीं। तो दोनों एफएफसी को आपको एक बार दोनों को निकाल के चेक करना है। तो मैं इस साइड से क्या नाम निकाल के अब इस साइड से मैं एक बार ऑन करके देख लूँगा। तो फिर से लगा देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, और लगाने के बाद मैं अब ट्रैक कौन सा काटना है वो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ तक वीडियो को देखें धन्यवाद। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा उसको देखते रहिएगा। तो मैं इसको यहाँ से लगा देता हूँ, लग गया सही सलामत। अब हम क्या नाम है, एक नाइफ़ लेना है मुझे, या टेपिंग करना चाहते हो तो आप इस पर टेपिंग कर सकते हो। जैसे कि सीओजी का बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ मैंने टेपिंग वाला, तो टेपिंग भी आप कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन बताने वाला हूँ। टेपिंग वाले में कभी कभार फेलियर हो जाता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन बताने वाला हूँ मैं कि परमानेंट सोल्यूशन कैसे कर सकते हो आप इसके साथ। तो आगे क्या करना है आपको, जैसे हम निकाल दिया यहाँ पर आओगे लास्ट में, तो अभी मैं पहले ब्लेड ले लूँ, ब्लेड से इसका ट्रैक को कट करना होता है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ, और यहाँ पर मैं 5 पिन तक मैं ट्रैक को कट कर लेता हूं, क्योंकि तीसरा पिन ही सीकेवी लाइन है। और मैं यहां से 5 पिन को मैं ट्रैक कर ले कट कर दिया यहां से, ठीक है। और आप कुछ नहीं करना, ट्रैक नहीं काटना है तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूं उससे कैसे कर सकते हो। अगर आप ट्रैक नहीं काटना चाहते हो, अगर पीसीबी ख़राब नहीं करना चाहते हो, तो आप एक तो है कि आप टेपिंग कर लो, और दूसरा है कि आपको इस साइड जो रेजिस्टेंस लगी हुई है कोने में, उस सारे रेजिस्टेंस को ओपन कर दो, तब भी ओके हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एफएफसी जहाँ से मैंने ओपन किया था। अब हम वोल्टेज को फिर से टीवी को ऑन करके वोल्टेज चेक करेंगे कि 28 वोल्ट जो बन रही थी दोस्तों वो ड्रॉप ही है या ओके हो गई है। तो यहाँ पे टीवी को मैं ऑन कर लेता हूँ, ऑन हो जाएगा, यहाँ से ऑन हो जाएगा टीवी, और उसके बाद मैंने वोल्टेज को चेक करना है हमें, समझे। तो टीवी हो गई यहाँ पर ऑन, और वोल्टेज 28 वोल्ट जो मेरा मिसिंग था वो सही बन रही है या नहीं बन रही है। तो मैं यहाँ से अब यह 28 वोल्ट को यहाँ पर यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो देख सो बिल्कुल ओके बन चुकी है 28 वोल्ट, जो कि वोल्टेज मिसिंग थी पहले। और अब एक बार मैं पिक्चर देखना चाहूँगा टीवी में, बिल्कुल पिक्चर सही बनी या नहीं बनी। तो मैं उठा लूँ थोड़ा पिक्चर, टीवी को उठा के देखता हूँ पिक्चर बन रही है या नहीं बन रही है। तो अभी तो ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक इस एंड्रॉयड टीवी आ गई, ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रोसेस होता है थोड़ा ऑन होने का। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से पिक्चर बिल्कुल ओके बन चुका है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप सीखे या नहीं सीखे कमेंट में ज़रूर बताना। टेपिंग का भी वीडियो अगर चाहिए तो अगले नेक्स्ट में बना दूंगा मैं, तो टेपिंग का भी आप कर सकते हो, टेपिंग से भी सही कर सकते हो।